जिब्रान बेटा। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वाह आंटी, आप तो बड़ी वक्त की पाबंद निकली। हम तो कह रहे थे कि आपके घर आ जाते हैं। हाँ वो शादी का घर है ना, तैयारियां हो रही है तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये मिनाज है, मिनाज ये मेरी आंटी है तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और आंटी ये मिनाज साहब हैं, शहर के बहुत मशहूर और बड़े बिल्डर हैं। जब आपने मुझसे घर के सेल करने की बात की थी तो मैंने फौरन इनको कॉल कर ली थी, ये इंटरेस्टेड है। और ये उस घर को डिमोलिश करके 3 मंजिला पोर्शंस बनाना चाहेंगे। अच्छा, आप पेपर्स तो लाएंगे ना साहब? हाँ, ये सब कब और कैसे होगा? इसमें क्या मुश्किल बात है, वैसे आपको टोकन में नहीं देंगे, आप इनको घर के कागजात देंगे, फिर ये तस्दीक वगैरह करके जो बकिया रकम है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हाथ के हाथ नहीं हो सकता ये सब कुछ। आंटी ये जमीन और जायदाद के मामलात हैं तो कुछ वक्त लगता है। अच्छा ठीक है। अरे सोचना किस बात का आंटी, मैं हूं ना आपके साथ। और ये टोकन मनी भी कोई मामूली रकम नहीं है, पूरे 10 लाख है। बाकी रकम भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये तस्दीक में कितना वक्त लगता है? यही कोई 1 हफ्ता। वैसे ये मकान आपके नाम पर है? मेरे शोहर के नाम। शोहर के नाम? मगर जिब्रान तो बता रहे थे आपके नाम पर है। आंटी आपने तो खाता आपके नाम पे। बस होने वाला है, फसी ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है। चलें ठीक है, मैं आपको टोकन मनी दे देता हूँ, बाकी जब कागज तस्दीक होके आ जाएंगे बकिया की रकम आपको दे दी जाएगी, जो कि जिब्रान ने आपको बता दिया होगा। जी। ले ले आंटी, बेफिक्र हो जाए, हो जाएगा काम। अरे बेफिक्र हो जाए,